ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी राइड। दोस्तों, मोरगांव के फोर्थ गणपति के विजिट के बाद आज हम फिफ्थ गणपति अष्टविनायक यात्रा के पांचवें गणपति को विजिट करने जा रहे हैं, वो है सिद्धटेक का सिद्धि विनायक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम लोग पार्टर्स पहुँच चुके हैं। तो सिद्धटेक से मोरगांव या मोरगांव से सिद्धटेक आने के लिए दो ऑप्शंस है आपको। एक वाया पार्टर्स आ सकते हैं, जो कि अभयारण्य से होके रास्ता है और जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर कम डिस्टेंस वाला है। तो ये सामने जो रोड है वो एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ से आप डायरेक्टली मोरगांव के लिए जा सकते हो। मगर हमने जो रास्ता चूज़ किया था वो पार्टर्स से था, जो कि हमारे पीछे है। बहुत ही बढ़िया रास्ता था। चलिए दोस्तों, निकलते हैं सिद्धटेक के लिए। ओके दोस्तों, हम लोग ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हो डाउन रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे ट्रैक, और वो रही अपनी स्वामिनी। ओके दोस्तों, तो सिद्धटेक गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने देख सकते हैं बहुत सारी भक्तों की भीड़ और शांति से बहने वाली यह नदी, बहुत ही लुभावना रूप है दोस्तों। अगर आप यहां पे आएंगे तो इस लोकेशन को विजिट दिए बिना मत जाना। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पहुंच चुके हैं दूसरे दिन के पहले गणेश जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, क्लाइमेट बता देता हूँ, क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया है। 56 किलोमीटर की राइड, यानी मोरगांव से सिद्धटेक तक 56 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए पापा के दर्शन के लिए। ओके दोस्तों, तो मंदिर के मेन एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। 99.99% अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, कुछ वीडियो यहाँ पे निकाल दिखा देता हूँ आपको। मंदिर का मेन एंट्रेंस, और चलते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिद्धटेक के गणपति के बारे में बताना चाहूंगा कि मंदिर जो है रात 9:30 से सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे विजिट करनी है, दर्शन लेना है, तो आपको सुबह 5 के बाद और रात को 9:30 से पहले यहाँ पे आना जरूरी है। भक्त निवास दोस्तों आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कुछ डिटेल्स मुझे मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट गणपति यानी रांजनगांव के लिए हम लोग निकलते हैं। बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, ये सामने एक मंदिर दिख रहा है, विष्णु जी का यह मंदिर है। और ऐसे कहा जाता है विष्णु जी को यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हुई थी, और इसीलिए इस गणपति का नाम सिद्धि विनायक हो गया। ओके दोस्तों, तो सिद्धि विनायक जी का दर्शन करके हो चुका है, और अब हम निकल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है 78 किलोमीटर। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और हम पहुंचेंगे रांजनगांव। चलिए दोस्तों, निकलते हैं अपने राइड के लिए। दैवत अमुचा विनायका हे गजानन